हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है बोनस शेयर मीनिंग एंड प्रोसीजर, यानी कि बोनस शेयर होता क्या है और बोनस शेयर को इश्यू करने की क्या क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले हम लोग बहुत बेसिक से शुरुआत करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। अच्छा, आपको पता है कोई भी प्रोग्रेसिव कंपनी होती है, यानी ऐसी कंपनी जो कि ग्रो कर रही है, वो कंपनी नहीं चाहती कि वो अपना पूरा पूरा प्रॉफिट एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो वो लोग क्या करते हैं, डिविडेंड देने बजाय वो लोग हर साल अपने प्रॉफिट में से रिजर्व फंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये लोग? रिजर्व फंड। ठीक है, तो अब इतने सारे साल वो लोग रिजर्व फंड बनाते हैं तो इन कंपनी के पास ना अच्छा खासा गुड अमाउंट ऑफ देयर रिजर्व फंड, यानी कि इतने सालों में अच्छा खासा एक रिजर्व फंड बन जाता है। अब क्या होता है, उनके पास बहुत सारा रिजर्व फंड आ गया तो उनके जो कस्टमर्स और एम्प्लॉइज है वो ऐसा सोचते हैं कि कंपनी के पास तो भाई इतना सारा पैसा है। ठीक है, तो वो लोग ना अलग अलग तरह के एजम्पशंस लगाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि कंपनी हमको बर्बाद कर रही है, मतलब एक्सप्लॉइट कर रही है, हमारे साथ गलत कर रही है, इतना पैसा होने के बावजूद हमको इतना कम मिल रहा है। और साथ साथ में जो गवर्नमेंट और कॉम्पिटिटर्स होते हैं ना, वो लोग भी कंटिन्यूस कंपनी पे वॉच रखते हैं कि कंपनी एक्चुअली में कर क्या रही है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए, कंपनी अपने आप को इन सब एलिगेशन से बचाने के लिए कंपनी क्या करती है, कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है उनका इतना सारा प्रॉफिट बाय द वे ऑफ बोनस शेयर, यानी कि जो बहुत सारा प्रॉफिट हो गया है उसको बाय द वे ऑफ बोनस शेयर दे दिया जाता है। यानी कि बोनस शेयर एक ऐसा प्रूफ है कोई भी कंपनी के लिए कि कंपनी की इकोनॉमिक पोजीशन साउंड है। यानी कि बोनस शेयर तभी दिया जाता है जब कंपनी जो है वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो और उस कंपनी का बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा हो। बोलो, क्लियर हो गया? तो ये रीजन है जिसकी वजह से कोई भी कंपनी जो है वो बोनस शेयर को इश्यू करती है। और कभी बहुत सा प्रॉफिट हो जाता है तो भी वो लोग क्या करते हैं, बोनस शेयर के फॉर्म में बांट देते हैं। अब बात करें व्हाट इज बोनस शेयर, बोनस शेयर है क्या? तो बोनस शेयर एक ऐसा शेयर होता है जहां पे जो कंपनी होती है ना वो अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट विदाउट एनी टेकिंग चार्ज फ्रॉम देम, मतलब उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता, उनको ऐसे ही वो प्रॉफिट में से हिस्सा दे दिया जाता है। अब आपको मैं एक प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझाता हूं। जैसे मान लो कि आपके पास कोई कंपनी है और कंपनी के 100 शेयर्स पड़े हैं। ठीक है, आप उस कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर हो और आपके पास कितने पड़े हैं, 100 शेयर्स पड़े हैं। अब क्या होगा, जैसे मान लो 100 शेयर्स है और उस कंपनी का जो प्राइस है एक शेयर का वो है 1000 रुपए, 1000 रुपीज का एक शेयर है, 100 शेयर्स आपके पास पड़े हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि जब कंपनी बोनस शेयर इश्यू करती है ना तो आपके पास 100 है, अगर मान लो कंपनी ने ऐसा रेशियो निकाला कि 1:1 के बेसिस पे बोनस दिया जाएगा, 1:1 यानी आपके पास 100 शेयर्स है तो अब आपके पास कितने शेयर्स हो जाएंगे, 200 शेयर्स हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कंपनी ने क्या बोला कि जिसके पास एक शेयर है वो एक और ले जाओ। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी बोले 2:1 का, 10:1 का, ठीक है, अलग अलग रेशियो पे, मतलब जिसके पास 10 शेयर है उसको एक मिलेगा, ऐसे अलग अलग रेशियो पे कंपनी क्या दे सकती है, बोनस दे सकती है। तो जैसे अब आपके पास कितना हो गया, 200 शेयर्स हो गया। अब सामने क्या करती है पता है, कंपनी अपनी जो वैल्यू है ना, प्राइस है, वो कम कर देती है। ठीक है, जैसे 1000 की जगह पे यहाँ पे सीधा वो वैल्यू कर देगी 500, 510, 600, उसके हिसाब से, उसके वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी क्या कर देती है, उसकी प्राइस भी कम कर देती है। तो दूसरा रीजन ये भी है कि जब कंपनी को ऐसा लगता है कि उसके शेयर्स की प्राइस कुछ ज्यादा ही हो गई है मार्केट में, तो वो उस प्राइस को कम करने के लिए, शेयर्स की प्राइस को कम करने के लिए भी बोनस शेयर को दिया जाता है। और दूसरा बड़ा रीजन तो पता ही है आपको कि कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट होता है तो वो लोग उसमें से ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एज अ बोनस शेयर। बोलो, क्लियर हो गया? तो इन शॉर्ट यहां पे जो बोनस शेयर एक ऐसा शेयर होता है जहां पे शेयर होल्डर को कोई भी तरह का पैसा देना पड़ता नहीं है। नेक्स्ट आगे बात करें तो कौन से बैलेंस में से बोनस शेयर जो है वो दिया जाता है, तो एक तो दिया जाता है जनरल रिजर्व से, दूसरा दिया जाता है क्रेडिट बैलेंस ऑफ द सिंकिंग फंड आफ्टर रिटर्निंग द डिबेंचर, मतलब जो सिंकिंग फंड का क्रेडिट बैलेंस है उसमें से, फिर जो पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है उसमें से दिया जाता है, कैपिटल रिजर्व का मतलब कैपिटल रिटर्न रिजर्व फंड है उसमें से दिया जाता है, और जो क्रेडिट बैलेंस होता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का उसमें से बोनस शेयर दिए जाते हैं। मतलब ये 5 ऐसे बैलेंस है जहां से कोई भी कंपनी अपने बोनस शेयर को क्या करती है, इश्यू करती है। बोलो, क्लियर? नेक्स्ट आगे बात करें तो आप लोग को पता ही होगा कि हमारी जो बीकॉम सेम 3 की बैच है जिसमें हम लोग आपको 4 सब्जेक्ट तो प्रोवाइड करते ही है, इसके साथ साथ 2 और सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं जिसमें आ जाता है
कॉर्पोरेट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, टैक्सेशन और इकोनॉमिक्स और आईएफएस, इस तरह से टोटल 6 सब्जेक्ट प्रोवाइड करता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2399 में। अगर अभी भी आप लोग ने पढ़ाई शुरू नहीं की है तो अभी हमारा कॉन्टेक्ट करो, मैं आपको बहुत बढ़िया डिस्काउंट के साथ ये अमाउंट करके दूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करें तो प्रोसीजर क्या है बोनस शेयर को इश्यू करने की। बहुत ईजी प्रोसीजर है, ध्यान से समझोगे ना तो आपको अभी के अभी याद हो जाएगा, ठीक है। नंबर वन, वेरीफाइंग द आर्टिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये चेक किया जाता है, ये वेरीफाई किया जाता है कि जो आर्टिकल है, आर्टिकल यानी होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा है कि डायरेक्टर्स को अधिकार है बोनस शेयर इश्यू करने के। अगर लिखा है तो ही वो इश्यू कर सकते हैं, ठीक है, जो डायरेक्टर्स है वो तभी इश्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने आर्टिकल को वेरीफाई कर लिया। देन आफ्टर हम लोग देखेंगे क्लोजिंग द मेंबरशिप बुक। मेंबरशिप बुक क्या होता है, तो एक बार जनरल मीटिंग बुलाई जाती है शेयर होल्डर्स के साथ, उससे पहले वो लोग, मतलब कि जनरल मीटिंग किस रिलेटेड बुलाई जाती है, बोनस शेयर के रिलेटेड, तो उससे पहले वो लोग ये देखते हैं कि मेंबरशिप बुक कितना है, मतलब मेंबरशिप बुक मतलब कितने लोगों ने हमारी कंपनी में इक्विटी शेयर लेके रखे है, कितने लोग हमारी कंपनी के मेंबर्स है, ठीक है। और वो लोग वहां पे ये कैलकुलेट करते हैं कि कितने लोगों को कितना बोनस देना पड़ेगा, तभी उसके बाद ही वो लोग क्या करते हैं, जनरल मीटिंग बुलाते हैं शेयर होल्डर्स की, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या कर दिया, क्लोजिंग द मेंबरशिप बुक, यानी कि चेक कर लिया कि कितने लोगों को कितने शेयर्स देने हैं। फिर बात करें थर्ड पॉइंट, तो रिजोल्यूशन इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। अब क्या होता है कि अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग करते हैं, पहले क्या हुआ, वेरीफाई कर लिया आर्टिकल कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इश्यू कर सकते हैं, उनके पास हक है, डायरेक्टर्स के पास हक है कि वो बोनस शेयर को इश्यू कर सकते हैं। दूसरा हमने क्या किया, मेंबरशिप बुक चेक की कि भाई कितने लोगों को कितने बोनस शेयर देने रहेंगे। तीसरा क्या हुआ कि बोनस शेयर, मतलब बोनस शेयर इश्यू करने के लिए पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपस में मीटिंग करते हैं, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर होते हैं कंपनी के, तो वो लोग आपस में मीटिंग करते हैं, रिजोल्यूशन एक बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है फोर्थ पॉइंट में, कि रिजोल्यूशन इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। अब ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं उसकी मीटिंग बुलाई जाती है, पहले किसने मीटिंग की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, अब कौन मीटिंग करेंगे, शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग बुलाई जाती है और वहां पे बोनस शेयर की बात की जाती है। और यहाँ पे दिस रिक्वायर 21 डे नोटिस टू बी गिवन, यहाँ पे शेयर होल्डर्स को 21 दिन की नोटिस दी जाएगी, उनको प्रॉपर टाइम, प्लेस और एजेंडा बताया जाएगा मीटिंग का कि भाई मीटिंग रख क्यों रहे हो। तो क्लियर हो गया, आपकी जब मीटिंग है उससे 21 दिन पहले उनको नोटिफाई करना होगा कि भाई हम लोग एक मीटिंग अरेंज कर रहे हैं इस जगह पे, इस टाइम पे, और ये मीटिंग का एजेंडा रहेगा। किसको ये नोटिस देनी है, शेयर होल्डर्स को, बोलो क्लियर। नेक्स्ट क्या होगा स्टेप, स्टेटमेंट ऑफ पोजिशन। यहाँ पे जो सेक्रेटरी है ना वो एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा कंपनी की जो पोजीशन है, मेंबर्स की जो पोजीशन है वो शो करते हुए कि कौन सा मेंबर की कौन सी पोजीशन है, और इस स्टेटमेंट में नाम, एड्रेस, नंबर्स, मेंबर्स ऑफ बोनस शेयर, कितने मेंबर्स है, वो सारी चीज प्रेजेंट की जाती है। और यहाँ पे पूरी लिस्ट है मेंबर्स की, वो प्रेजेंट की जाती है डायरेक्टर्स के सामने, मतलब जब तक डायरेक्टर का अप्रूवल नहीं आ जाता तब तक वो लोग पूरी एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन कहेंगे। अब क्या होगा पॉइंट नंबर 6 में, एक शेयर अलॉटमेंट लेटर दिया जाएगा। अब जैसे ही देखो इन लोग ने रिजोल्यूशन पास किया मीटिंग में, अभी मीटिंग किसकी हुई थी, शेयर होल्डर्स की और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, तो इन लोग ने एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया था। अब क्या होगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के बाद जो सेक्रेटरी है वो प्रिपेयर करेगा लेटर ऑफ अप्रूवल। क्या प्रिपेयर करेगा, लेटर ऑफ अप्रूवल। अब इस लेटर ऑफ अप्रूवल को भेजा जाएगा, किसको भेजा जाएगा, शेयर होल्डर्स को, एक स्पेसिफिक डेट पे, ठीक है। लेटर ऑफ अप्रूवल मतलब पहले क्या होता था, फिजिकल शेयर होते थे तो वो लोग ना शेयर होल्डर के अप्रूवल के लिए उनको एक अप्रूवल लेटर भेजा करते थे, तो वही बताया कि शेयर होल्डर को एक स्पेसिफिक डेट पे लेटर ऑफ अप्रूवल भेजा जाता है। फिर क्या होगा, 7th पॉइंट में शेयर सर्टिफिकेट। एक बार लेटर ऑफ अप्रूवल भेज दिया बोनस शेयर का, तो यहाँ पे जो सेक्रेटरी है वो क्या करता है, उनको शेयर सर्टिफिकेट प्रिपेयर करता है। मतलब पहले फिजिकल फॉर्म के शेयर आते थे उसको शेयर सर्टिफिकेट कहा जाता था, और उनको भेजा जाता है हमारे कंसर्न शेयर होल्डर्स को अगेंस्ट देयर शेयर अप्रूवल लेटर्स, यानी कि उन्होंने जो लेटर को अप्रूव किया है, यानी कि जो हमने उनको लेटर भेजा था लेटर ऑफ अप्रूवल, और जिन लोगों ने हमको अप्रूव करके भेजा है हम उनको फिजिकल शेयर्स दे देंगे। बट ये पहले हुआ करता था, प्रेजेंट टाइम्स में ज्यादातर जो कंपनी है वो क्या करती है, उनके शेयर होल्डर्स के डीमेट अकाउंट के अंदर उन शेयर्स को क्रेडिट कर देती है। ये तो बहुत ईजी हो गया, अब कोई लेटर वेटर नहीं भेजा जाता, तो इस वजह से देयर इज नो नीड टू सेंड शेयर सर्टिफिकेट, और इस वजह से आज के डेट में फिजिकल शेयर्स नहीं देती कोई भी कंपनी, वो सीधा उनके डीमेट अकाउंट में क्या करती है, ट्रांसफर कर देती है बोनस शेयर को। नेक्स्ट आखिरी पॉइंट की बात करें तो 8,
फाइलिंग द रिटर्न विद द कंपनी रजिस्ट्रार। अब क्या हो गया, बोनस शेयर दे दिया कंपनी ने, मतलब कि जितने भी शेयर होल्डर्स थे उनको बोनस शेयर मिल गया। अब कंपनी का जो रजिस्ट्रार है ना, उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हमने बोनस शेयर को इश्यू किया है। तो एक महीना होने के बाद, मतलब एक महीने के अंदर अंदर कोई भी कंपनी ने बोनस शेयर इश्यू किया है तो उनको एक रिटर्न भरना होगा बोनस शेयर रिलेटेड। बोनस शेयर रिलेटेड मतलब कि उनको फाइल करना होगा कंपनी रजिस्ट्रार के पास जाके कि भाई हमने बोनस शेयर को इश्यू किया था। उसका टाइम पीरियड कितना होता है, 1 मंथ के अंदर अंदर। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरह से टोटल इसके 8 प्रोसीजर है कि ये पूरी प्रोसीजर बोनस शेयर को इश्यू करने की है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।